इस वक्त हम नाका गोंडेल पे खड़े हैं। ये क्वेटा से जब हम आते हैं मेन हाईवे पे क्वेटा से भी तो स्पेजेंट है, उसके बाद फिर कोलपुर, ये यही सड़क पुरानी सड़क कोलपुर वाली है, आगे कोलपुर है, और इसी तरह एक अभी बाईपास बना है पीछे पाठक है, पाठक के साथ बिल्कुल। तो ये जो पीछे कब्रिस्तान जो नज़र आ रहा है, ये जो एरिया है, इस जगह को रियासत कल्लात के ज़माने में जब माल वाले जब आते थे मौसम बहार में अफगानिस्तान की तरफ से साहिबजादा कारे जो कुशलाख है क्वेटा चमन शारा पे, वहाँ पर उसको कहते थे जलावगीर, वहाँ पे जितने माल मवेशी उनके जो है ना वो शुमार होता था। फिर इसी तरह जब ये लोग चले जाते थे कच्ची और सिंध को मालदार वगैरह, जब वापसी पर आते थे खजा के इब्तदा में वापस जाने के लिए, तो यहाँ उनकी जो है ना फिर उनको हिसाब किताब करते थे, टेढ़ी करते थे, टेढ़ी कहते थे उसको, उसके शुमार करते थे वो, फिर उसके हिसाब से जो है ना उनका अपना एक था कि एक मखसूस तादाद पे वो अपना जो कस्टम है ड्यूटी रियासत कलात वाले लेते थे। तो इस इलाके को वो लोग कहते थे जलावबंद, और ये उस पर ये अभी पहले तो बहुत कम कब्रें थे, ज़्यादा कब्रें हो गई हैं, और ये अभी जो नई जो सड़क बनी है यहाँ से ये सीधा जा रहा है उमरडोर की तरफ, और वहाँ से फिर ये पीछे से शमसाबाद मस्तूंग तरफ निकल रहा है। मस्तूंग के जो लोग आते हैं सिब्बी और सक्कर और बाकी जगह जाने, तो वो इस रूट पे इस्तेमाल करते हैं। पहले वो लोग आते थे सरयाब कस्टम, क्वेटा के सरयाब कस्टम वहाँ से चलाते थे, लेकिन बाद में ये सड़क बन गई तो ये इसको वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
पीछे जो आप देख रहे हैं पटरी गुजर रहा है, रेलगाड़ी गुजर रही है, ये जो पूरा जो गोंडेन का जो इलाका है 1987 में मौसम गर्मा में इतनी शदीद बारिशें हुई कि पूरा ये जो गोंडेन है, ये जिसको हम छोटा दश्त भी कहते हैं, ये पूरा पानी से भर चुका था। ये सड़क और ये पटरी इसमें डूबा रहा तकरीबन कोई 3-4 दिन से भी कुछ ज़्यादा। तो एक दो ट्रेनें आई थी गालिबा, वो कोलपुर उनको रोकना पड़ा था। तो उसके चंद दिनों के बाद जब बहाल हुआ है ये ट्रेन सर्विस, तो मैं भी कराची से मैं क्वेटा आ रहा था, बिल्कुल इस पटरी के तक पानी था। बस उस टाइम ये पानी कुछ उतर गया था, बाकी ये पूरा ऐसे जैसे कोई झील नुमा ये एक नज़ारा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अजीब गरीब। और उसी साल कहते हैं कि 100 साल पहले इस तरह की बारिश हुई थी, और जो बोलान के अंदर जो पिंजरा पुल है तो वो पिंजरा पुल को भी उठा के पानी ले गया था, और कह रहे थे कि 100 साल बाद फिर इतनी शदीद जो है ना ये बारिश हुई। इसमें एक अफसोसनाक बात ये हुई कि कोलपुर में जब ट्रेनें आके रुकी हैं तो फिर रवायती तौर पे लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, जैसे इस लॉकडाउन के अंदर बाज़ लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि जो चीज़ 1 रुपये की है तो उसको 2 रुपये में बेचते रहे, और एक निसरा जो है ना इससे फ़ायदा उठाते। उस दौर में भी यही कुछ हुआ कि लोगों ने जो खाने की जो मसालन या और चीज़ें इस तरह उनको दुगने कीमत पे और 3 गुना कीमत पे उन्होंने बेचना शुरू किया, जबकि यहाँ पे जो हिंदू बिरादरी कोलपुर की उन्होंने मुसाफरों के साथ बहुत ज़्यादा तआवुन किया था। ये पीछे जो बागात हैं ये बलूचिस्तान के एक बहुत मारूफ सियासी शख्सियत और अदबी शख्सियत बाबू अब्दुर्रहमान कुर्द साहब, वो कुर्द हैं, ये कुर्दों की ज़मीन है इधर पीछे, तो वो उन्होंने आबादकारी की और यहाँ इन्होंने अपने बागात वगैरह ये लगाए। इस टाइम जो ये जो सड़क है कोलपुर का जो ये जो पुरानी जो सड़क है वो इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा, पाटक के साथ नया बाईपास बन चुका है जो वहाँ से क्रॉस करके कोलपुर को क्रॉस करके वो आगे सड़क जो है ना वो सिब्बी और उससे फिर आगे सिंध की तरफ वो जाने वाली सड़क है।